हाँ जी, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास. स्टूडेंट स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 स्टेट लाइंस. इन दिस एक्सरसाइज, इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन वन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द जनरल फॉर्म एंड यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के अंडर डिफरेंट कंडीशंस. आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन आप देख सकते हैं. इसमें क्या है, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसमें कैपिटल a, अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो आप इसमें जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं. तो कैपिटल a क्या है आपका, k माइनस 3. कैपिटल b क्या है, दिस इज माइनस 4, माइनस ऑफ 4 माइनस k स्क्वायर. एंड कैपिटल c कांस्टेंट क्या है, दिस इज योर k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6. ठीक है, अभी हमें बोला है पहली कंडीशन में k निकालने के लिए कि दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन द स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 0. So therefore, minus of, and we know in the general form, slope of line is minus a upon b. It means that is equal to 0. So I have put the values of a and b from this line and I got value of k is 3. And when the line is parallel to y axis, agar line aapki parallel to y axis hogi, to aapka kya? And the agar line aapki parallel to y axis hogi at that time, आपका जो जैसे पहले किया था स्लोप, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप जीरो होती है, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप का रेसिप्रोकल जीरो होता है. तो स्लोप आपकी, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी. अब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी अपॉन माइनस ए, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो हमने यहां से बी और ए की वैल्यूज यहां से उठाई है, बी एंड ए की वैल्यूज वी हैव पुट इन दिस फॉर्मूला एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. अगला है थर्ड पार्ट, व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट दैट टाइम योर कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो कांस्टेंट आपका 0 होना चाहिए. तो अभी यहां पर देखिए, कांस्टेंट आपकी लाइन में यहां पर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट आपका ये दिया हुआ है k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 6. दिस इज योर कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन है तो ये कॉन्स्टेंट आपका 0 के इक्वल होगा. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू 1 एंड 6 आ रही है आपके पास. ठीक है जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें find the value of theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of this line. यानी कि एक तरीके से हमें ये आपके एक general form of line दिया है and we are to reduce this general form of line into the normal form and then we have to tell what is the value of theta means जिसको हम omega बोलते थे and p means perpendicular डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि आपको कांस्टेंट यू नीड टू टेक टू द अदर साइड. ठीक है, आप कांस्टेंट को उधर लेके गए, माइनस आया बट दैट शुड बी पॉजिटिव. तो हमने क्या किया, वी मल्टीप्लाइड द होल इक्वेशन बाय नेगेटिव. अब ए एंड बी हमने यहां से फाइंड आउट किया, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी कैलकुलेटेड, दैट इज 2. एंड आई देन डिवाइडेड द होल इक्वेशन बाय दिस. Okay, now when I compare this equation, किससे compare करना है, x cos theta plus y sin theta is equal to p. अगर आप compare करेंगे तो आपको cos theta किसके equal मिलेगा, आपको cos theta मिलेगा minus root 3 by 2 के equal and sin theta आपका किसके equal आया, minus 1 by 2. Now I need to check what is, अभी तो यहाँ पर आपका p तो ये हो गया. देखो जब हम कंपेयर किया तो p की वैल्यू 1 आ गई है ना, जब आपने कंपेयर किया इसको और इसको, है ना, तो p की वैल्यू 1 आ गई. p हमें निकालना था, यहाँ पर देखिए p की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल दी. अब थीटा की वैल्यू निकालनी रहेगी. अब ये देखिए कि cos थीटा भी नेगेटिव है, sin थीटा भी नेगेटिव है,
ऐसे अब कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट है वेयर कॉस एंड साइन बोथ आर नेगेटिव. आई नो योर साइन थीटा इज पॉजिटिव है, यहाँ तो सारे पॉजिटिव है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, बट आई नो साइन थीटा इज पॉजिटिव हियर एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव हियर, तो ओनली वन क्वाड्रेंट इज लेफ्ट हियर, कॉस थीटा एंड साइन थीटा बोथ आर नेगेटिव. एंड इफ आई वॉन्ट टू गेट वन एंगल इन दिस quadrant, then I use this concept pi plus theta. Okay, because cos theta and sine theta both are negative, therefore this implies theta lies in third quadrant. ये तो हमारा clear हो गया. अब हमें ये पता करना है, ये आपका जो sine theta है, sine theta is equal to minus sine 30 degree means pi by 6. That is pi minus pi by 6. So your sine theta is equal to, write down it in the terms of the third quadrant. In third quadrant it is pi plus theta is your pi by 6. So ye aapka 7 pi by 6 aa gaya. Theta is how much? That is your 7 pi by 6. हाँ जी, ये देखिए, ये सेम ऐसे किया हुआ है. ये आपका cos theta minus है, sin theta भी नेगेटिव है, both are negative, therefore it lies in the third quadrant. I have taken cos, you can take sin, पहले मैंने sin से भी करके दिखाया. cos theta is equal to minus root 3 by 2 and root 3 by 2 value for the cos is at this angle pi by 6, so cos pi by 6, as I told, it is in the third quadrant, and in third quadrant as I explained you that your third quadrant it is pi plus theta, है ना? तो हम यहाँ पर इसको negative sign हट जाएगा यहाँ से, because एक negative when we will write down it in third quadrant, एक negative वहाँ से आएगा आपका और एक negative या positive हो गया pi plus pi by 6, okay? So this is cos 7 pi by 6 हो गया and theta is means 7 pi by 6. Then normal form of line is x cos 7 pi by 6 plus y sin 7 pi by 6 is equal to one. You have a particular distance from origin, yani P aapka one aa gaya. Question number 3 after this. Find the equation of lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and minus 6 respectively. Ab isme kya kiya humne ki maan liya isme jo aapka x intercept hai wo A hai and y intercept aapka B hai. And you have been given the sum of these intercepts is 1 and the product of these two intercepts is minus 6 is given in the question. So from here B is equal to minus 6 upon A, and we'll put this value here in this first equation. We will get a quadratic aapko mili. Us quadratic ko humne jab simplify kiya to we got two values of A. One is minus 2 and the other one is 3. This is minus 2 actually. It is minus 2. And 3, minus 2 and 3. So when you put A is equal to minus 2 here in 1, then you will get the value of B. Ya fir aap minus 2 yahan bhi put kar sakte hain. Isme yahan put kar dijiye. B ki value aa jayegi 3. Theek hai? So A and B kya aa gaya? A agar minus 2 liya humne to B ki value 3 aa gayi. When A is 3, then B is, A ko 3 rakho to B minus 2 aa raha hai na? तो यहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म उसने बोला है, इंटरसेप्ट की टर्म्स में ही टॉकिंग, सो वी विल राइट डाउन द इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ द योर इंटरसेप्ट. सो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. अगर आप दो फॉर्म्स बनी है आपकी, अगर आपने x को और ये a को माइनस 2 लिया है तो b आपके पास 3 है, एक ये वाली इक्वेशन बनी. दूसरी, अगर आपने a को 3 लिया है तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन b की जगह माइनस 2 इक्वल टू 1, तो आपकी ये फॉर्म बनेगी. ठीक है, तो यू विल गेट टू फॉर्म्स ऑफ द लाइंस. यू कैन फर्दर सिंपलीफाई बाय टेकिंग द एलसीएम वगैरह. आप इसको दोबारा से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, देन टेक द एलसीएम, दिस इज 6, this is 3x minus 2x minus 3y
is equal to 1, yani 2x minus 3y is equal to 6. So you can further simplify it to get the final answer. हाँ जी, ये देखिए जो आपको वजह से बताया है वैसे इसको सिंप्लीफाई करके ये दो आंसर्स, दो लाइंस आई आपके पास. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पर जो आपका पॉइंट क्या होगा हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट्स. आपने 10.3 में सेम क्वेश्चन किया है, बट इन दैट केस द पॉइंट लाइज ऑन x-axis. Here the point lies on y-axis. Because the point lies on y-axis, therefore point will be in this form 0, comma k, and the given line is this, and its distance from this 0 k we are to find out distance formula from a point to line jab bhi hai, so we convert it in the form, in the general form of line. Wo kya hoti hai? General form ax plus by plus c equal to 0. To humne LCM leke simplify karke isko general form mein sabse pehle convert kiya. उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आपका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये है. तो अब आपने यहाँ पर यहाँ x1 y1 कर लीजिए. x1 y1 वो है जहां से आपको डिस्टेंस लेना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम 0 k. तो x1 की जगह 0 एंड y1 की जगह आपने k रख दिया. ठीक है, लुक हियर. ओके, और नीचे भी आपने a की जगह ये 4 रखा है ना, एंड b की जगह ये 3 इन द फॉर्मूला यू हैव पुट इस फॉर्मूला में. ठीक है, अब इसके बाद because you can see here in the modulus sign. Modulus क्यों लिया? Because distance can never be negative. अब जो भी modulus के अंदर है, ठीक है? If there is a variable in the modulus, then we open the modulus by taking plus as well as minus sign. दो sign लेके आपने modulus खोलना है. Why it is so? I had already explained you in exercise 10.3. ठीक है? आप इसको simplify करके we got two values of k. आपने अब तो हमारे दो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए. ओके, सो इट इज आल्सो डन. हां जी, क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. यू हैव बीन गिवन टू पॉइंट्स cos theta sin theta एंड cos phi sin phi. देखिए, आई ट्राई टू शो इट इन द दिस फिगर. आपका a पॉइंट फर्स्ट पॉइंट cos theta sin theta, b पॉइंट cos phi sin phi है, और इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 0 0 से आपकी डिस्टेंस जो है वो d डिस्टेंस हमें निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन निकालने के लिए लाइन मस्ट बी इन द जनरल फॉर्म. अभी तो दो पॉइंट्स गिवन है, तो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. Two points have been given to us. So first of all, we will find out the equation of the line by using these two points on the line. क्या formula होता है? Y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ठीक है? अब ये मेरा x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो I have put their values here to get the line. Now this is, you can see here, this is sin phi minus sin theta. तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा. साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस, उसके बाद सॉरी, साइन इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 ए माइनस बी अपॉन 2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हमने ऊपर यहाँ यूज किया साइन ए माइनस साइन बी. कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2. दिस फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर. नाउ 2 इज कैंसिल बाय 2. दिस साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2 इज कैंसिल बाय दिस साइन 5 माइनस थीटा बाय 2. नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस माइनस ऑफ साइन 5 प्लस थीटा बाय 2 हियर. And I will multiply this cos theta plus 5 upon 2 with this. Okay, ये आ गया आपके पास. तो हमने पहले minus this sine 5 plus theta by 2
मल्टीप्लाइड विद दिस ऑल्सो, मल्टीप्लाइड विद दिस साइन थीटा ऑल्सो. अभी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आई हैव डायरेक्टली व्हाट आई हैव डन, ये जो cos थीटा प्लस 5 बाई 2 को माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दिस इज इन नेगेटिव, आई हैव शिफ्टेड दिस टू राइट लेफ्ट साइड, यू कैन सी आई हैव शिफ्टेड इट टू दिस साइड. और ये जो y से मल्टीप्लाई करने पर इस माइनस साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 को, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यू कैन सी इट हियर डायरेक्टली आई हैव डन इट हियर. नाउ आफ्टर दैट you can see here, this is sin theta plus 5 by 2 sin theta cos theta plus 5 by 2 cos theta. ye formula uska nahi ho gaya. agar main, agar aap isko aise maan lijiye, agar suppose aapne is theta plus 5 ko aur ye theta plus 5 theta, ye aapne cos theta plus 5 by 2 ko a mana aur ye b, तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी है यहाँ पर, देखिए cos a cos b, क्योंकि फिर तुम्हारा से ये a है ये b है ना, थीटा को आपने b माना, cos a cos b प्लस साइन ए साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, यानी cos a किसको लिया आपने, चलिए यहाँ शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने थीटा को लिया या phi को, कुछ भी यहाँ पर शायद थीटा को हमने phi इधर लिया है, यहाँ थीटा को लिया है, अगर हम थीटा को ए रखा है ये बी है, थीटा को ए रखा है ये बी है, ठीक है, तो आपने थीटा कॉस ए माइनस बी, ये देखिए दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया कॉस ए माइनस बी, दैट this formula I have applied here. So by taking the LCM, you can see here. So it is theta minus 5 by 2 here. And the remaining here on the right side mein kuch bhi change nahi hua, baki sab kuch waise hi hai. Now, I have taken this cos theta minus 5 by 2 also on the left side. Abhi waise agar hum dekhein, hum isko do tarike se actually question ko kar sakte hain. The other method, अभी तो चलिए अभी तो हम distance formula से इसको किया है कि आपके पास line क्या आ गई, line आपके पास ये आ गई है ना, this is the line and you are to find out its distance from origin. तो formula जो होता है distance का ये होता है a x one plus b y one plus c modulus upon square root of a square plus b square, ये formula होता है. अब x1 y1 क्या point है, कहाँ से आपको distance निकालनी है और वो हमें निकालनी है origin से, यानी कि 0 0 से. तो आपने यहाँ भी 0 put कर देना है, यहाँ भी 0 put कर देना है, तो ये 0 हो जाएगा. देखो ये भी 0 लिखा, ये भी 0 यहाँ इस formula में, फिर ये constant as it is लिख दिया, upon square root of x का जो भी coefficient है उसका square किया, प्लस वाई का जो भी कोफिशियंट है ये देखो यहाँ पर उसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से किया, ठीक है. तो आप देखिए नीचे तो वन बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, और ये नेगेटिव साइन इस मॉडुलस की वजह से अब्सॉर्ब हो गया, आपके पास क्या बच गया, कॉस थीटा माइनस फाइव बाय टू. यू इफ यू डू इट अप टू दिस पॉइंट ओनली, इवन देन इट इज करेक्ट, बट इट इज सॉल्व फर्दर ऑल्सो. सो लेट अस सी व्हाट हैज बीन डन. अभी हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर वी हैव मल्टीप्लाइड इट विद टू साइन थीटा माइनस 5 बाय 2 दोनों ऊपर में. तो ऊपर तो फॉर्मूला क्या बन गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन डबल कर दो एंगल का, तो यहाँ साइन डबल ऑफ एंगल थीटा माइनस 5 बाय 2 का डबल थीटा माइनस 5 एंड इट हैज बीन रिटन as it is, okay, but if you do it up to here also, even then it is correct, it's correct, okay. I told you that this question can be done by using the other method. What is that method, let me tell you. आप यहीं पर रुक जाइए, ये देखिए, ठीक है, और इसको compare कीजिए. यहाँ ये मानिए p, चलिए मैं दूसरी side लिखती हूँ. तो हम इसको अगर कंपेयर करें, p इज इक्वल टू x cos ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा से, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये एंगल दोनों सेम है, मैं इसको ओमेगा नाम दे दिया, आई हैव गिवन इट नेम ओमेगा, ठीक है, तो दोनों सेम है, तो ये इससे ये कौन सी फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म थी, और उसमें पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन डायरेक्ट आ गई, यानी पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय टू, व्हाट इज द पी, पी इज द पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम जीरो जीरो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन क्या, और हमें वही निकालनी थी, तो हमारी ये आ गई है। और अगर आप दूसरे मेथड से करते हो तब भी आपको, देखो मैंने यही बोला था कि ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, सो इट इज दिस, सो इट्स ऑल्सो डन। हाँ जी, देखिए आपको निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब इस मेथड को मत देखिए, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, ये जो दो लाइंस आपकी दी हुई है, ठीक है, इन दो लाइंस को देखो, पहले आप इसको छोड़ दीजिए, ये क्या लिखा है, आप ये देखिए ये दो लाइंस है, ठीक है, इन दो लाइंस का जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल लीजिए इस पूरी इक्वेशन को, या तो मान लो 7 से आपने मल्टीप्लाई किया और फिर इनको, तो आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है, यानी कि इन दो लाइंस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, लेकिन ये बोला गया है कि जो आपकी लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगी उसकी इक्वेशन, और एक्स हमें एक पॉइंट मिल गया है, तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, x is equal to minus 5 by 22, तो उसको सिंपलीफाई करके this is your equation of line। अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिगर अगर बना के वैसे क्लियर करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, इस फिगर का मतलब समझिए, इसने बोला कि आपकी जो लाइन है, पहले तो ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, find the equation of that line parallel to y-axis and drawn through the intersection of two lines. ये दो lines हैं, इन दोनों के intersection point से हमारी line जो required line है वो गुजर रही है, लेकिन वो y-axis के parallel है, यानी कि this one is my required line, ये वाली जो है वो मेरी required line है, ठीक है, तो हमने ये वाला point निकाला था, जो अभी निकाला था ना minus 5/22 करके जो भी पॉइंट निकला था, वो मेरा ये वाला पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है, -5/22 और दूसरा मेरे ख्याल से 15/22 जो पॉइंट निकला था वो ये है। अब यहाँ पर जो x है वो कितना है, माइनस, अभी ये फिगर गलत है क्योंकि ये आपका ये x एक्सिस इधर होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखें तो आपका जो है आपका वाई एक्सिस आपका सपोज करो इधर है, ये इधर है, ये यहाँ पर है आपका वाई एक्सिस, यहाँ है ना, ये 0-0 है, तो आपका एक्स यहाँ पर -5/22 है, ठीक है, ये वाला, तो आपकी जो लाइन है जो कि पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस होगी वो आपकी ये होगी, उसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू -5/22, दैट्स व्हाट आई हैड डन। And the question number 7, where you have to find the equation of the line which is perpendicular to this given line, x upon 4 plus y upon 6 and through the point where it meets the y-axis. अगर हम इसको अगर बनाएं तो आपकी, क्योंकि ये जो line है ये आपकी intercept form दिया है, x intercept 4 दिया हुआ है और y intercept 6 दिया है, तो आपका ये point 4,0 हो गया और ये point आपका क्या आ गया 0,6, और हमें बोला गया आप उस लाइन की इक्वेशन बनाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ओके, जो मुझे लाइन निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, हमारी लाइन तो वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर मिलती है, यहां पर जो लाइन है हमारी इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी ये वाली लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है,
इसकी स्लोप तो मैं जब आपकी इस लाइन की स्लोप निकाल लूंगी जो मुझे ये वाली लाइन दी हुई है, अगर मैंने इसकी स्लोप निकाल ली तो अल्टीमेटली इसकी स्लोप भी निकल आई जो मुझे लाइन निकालनी है, और क्योंकि एक पासिंग पॉइंट भी उसका पता चल गया ये 0.6, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क। हाँ जी, देखिए ये फिगर अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वही वाली फिगर है यहाँ पर, है ना। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस बीसी की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एबी की स्लोप निकालनी है। एक तरीके से एबी की स्लोप निकालने के लिए आप वैसे तो 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, y2 - y1। अगर आपको पॉइंट पता चल गया y2 - y1 upon x2 - x1, स्लोप में भी निकल गया तो जो भी स्लोप आएगी उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव स्लोप ऑफ बीसी आ गया और पॉइंट आपको 0.6 पता है। चलिए अब मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म से किया है, हमने ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन था उसको जनरल फॉर्म में लिख लिया। जनरल फॉर्म की लिखने के बाद उसकी स्लोप होती है -a/b करके -3/2, और BC जो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए वो परपेंडिकुलर है इसलिए उसका स्लोप इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव आ गया, ठीक है। और उसके बाद अवर रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0.6 एज पर द क्वेश्चन, तो अब हमें स्लोप भी पता चल गई, ये स्लोप पता चल गई 2/3 एंड पासिंग पॉइंट 0.6, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड विद दिस स्लोप आई कैन राइट डाउन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y - y1 इज इक्वल टू m(x)-x1। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्मड बाय दीज थ्री गिवन लाइंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जो इन तीन लाइन के पास करता है। तो आपकी ये तीनों लाइंस हैं, ठीक। हमने इन तीनों लाइंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया, सॉल्विंग 1 एंड 3, एक्स इज इक्वल टू के इसमें पुट किया तो वाई भी के आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ए ये आ गया। दूसरा एक्स इज इक्वल टू के आपने सेकेंड में पुट किया तो y - a आ गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट आएगा, देखिए हमने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लिया, सेकेंड और थर्ड को, अब फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करोगे तो व्हेन यू ऐड दीज टू तो एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल, 2y = 0 तो वाई जीरो आ गया, वाई जीरो यहाँ पुट करें तो एक्स भी जीरो, तो थर्ड पॉइंट इज 0, 0। तो यू गॉट ऑल द थ्री पॉइंट्स ऑफ your triangle, now you can easily find out the area of the triangle. हाँ जी, देखिए area of triangle का formula आपने लगा लिया यहाँ पर x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1, then x3 into y1 - y2, put the values and get the answer, that is k square. Now come to question number 9. नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज थ्री लाइंस मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। पी की देखिए ये पी की वैल्यू निकालनी है और तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करती है। देखो इस लाइन में तो पी है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। हम फर्स्ट मतलब अगर मैं फिगर बनाऊ इसका तो ये देखो ये है कि दी ऑल द ऑल दी थ्री लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है। देखो ये L1 है पहली लाइन, दूसरी L2 और तीसरी लाइन L3। ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो आपने देखा कि ये जो आपकी ये पॉइंट कॉमन है इनका जहां से ये तीनों पास कर रहे हैं। अब ये जो L1 और L3 है उसका पॉइंट जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं एंड दैट पॉइंट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ L2 ऑल्सो। हमने L1 और L3 को सॉल्व किया, उससे ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया, कौन से वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला। और ये पॉइंट निकालने के बाद ये जो पॉइंट निकलेगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन L2 आल्सो, देयरफॉर दैट पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई L2 आल्सो। तो हम वो पॉइंट निकाल के L2 में पुट कर देंगे तो आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें वो कैसे किया है, लेट अस सी। यहाँ पर देखिए हमने 1 और 3 को सॉल्व किया, यानी L1 और L3 को सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड, वी गॉट द वैल्यूज ऑफ X1 एंड Y1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मतलब ऑल द थ्री लाइंस इज दिस -1 एंड वी यूज्ड इट इन द सेकंड लाइन, इसकी सेकंड लाइन की जो इक्वेशन थी उसमें आपने X और Y की वैल्यूज पुट कर दी तो आपकी P की वैल्यू आ गई है।
जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास तीन लाइंस दी हैं, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू एंड y इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री. और ये कॉन्करेंट लाइंस हैं. कॉन्करेंट लाइंस मतलब जैसे अभी एक्सप्लेन किया था कि दोज लाइंस विच मीट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर वो मिल रही है. ये आपके पास सपोज करो तीन लाइंस हैं and these three lines are intersecting at the same point, तो ये तीनों lines बोलेंगे these are concurrent lines. तो इनको हमने नाम दे दिया one, two and three, तीन नाम दे दिया इनको. अभी क्योंकि these three lines are concurrent, these three lines will intersect at the same point. तो हम क्या करते हैं, दो की नहीं, दो lines, we will find the point of intersection, और जो भी दो का point of intersection आएगा, we will put that point of intersection in the third line, because the third line must satisfy that point if that point lies on that line, ठीक है? तभी वो common point होगा. तो हमने क्या किया यहाँ पर, first और second को solve करने के लिए, यहाँ पर ये y is equal to, तो हमने इसको substitution method से यहाँ से y की value 2 में put कर दी, ठीक है? देखिए दोनों को equate कर दिया, we have taken these terms with the x on this one side and the constant on the other side, we got the value of x, x की value आ गई, और उसके बाद we used it in one, one में इसको रखा, first line में इसको x की value को यहाँ पर हमने रखा, then we got the value of y also. ये देखिए हमने x की यहाँ पर x की जगह रखा इसको, जो वैल्यू आई है y is equal to m1x था ना, तो अब now I have multiplied this and I have taken the LCM also, so it means I have multiplied this also, so you can see m1 c1 is cancelled, so we are left with this y. तो अब हमारे पास x भी आ गया and y भी आ गया, दोनों पॉइंट्स आ गए ना, कोऑर्डिनेट सॉरी, यानी कि जो आपका ये पॉइंट कॉमन है यहाँ पर, ये पॉइंट जो कॉमन वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया आपका. अब ये पॉइंट मैंने थर्ड लाइन में पुट करना है, पहले तो पॉइंट ये एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का ये है एंड वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का ये है, ठीक है? ये पॉइंट आ गया. अब इस पॉइंट को हमने थर्ड लाइन में पुट कर देना है, ठीक है? अगर ये तीसरी लाइन का भी पॉइंट कॉमन है, तो थर्ड लाइन हमारी थी क्या, वाई इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी, तो y की जगह हमने ये रखा y, और फिर x की जगह ये पॉइंट रखा, ये आ गया. अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर, ठीक है? हाँ जी, अब देखिए कैलकुलेशन किया हमने यहाँ पर, इसका कैलकुलेशन किया और उसके बाद हमने m1 वाली टर्म्स m2 कॉमन निकाला m3, वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. In question number 11, it's given that find the equation of the line through this point 3, 2, which makes an angle of 45 degree with this given line. इस line के साथ, मेरी required line, which is passing through this point 3, 2, is making an angle of 45 degree. ठीक है? ये देखिए इसकी figure मैंने कैसे बनाई है? ये बनाई है मैंने. ठीक है? This is the line given to me. And this is my required line with whose equation I have to find out. And this line is passing through the point 3, 2, and it's making the angle 45 degree with this given line. So whenever the angle between the two lines is given, then we use that formula. What is that? That is tangent theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, जब भी ये मॉडुलस में रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम एक्यूट एंगल ही लेंगे, तो क्या बताया मैंने आपको, व्हेनेवर द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज गिवन, देन वी मेक द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड इन दिस फॉर्मूला वी हैव यूज द स्लोप ऑफ द लाइंस m1 m2. तो मुझे व्हाटएवर दिस लाइन इज गिवन टू मी, आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, माइनस a अपॉन b, माइनस ए अपॉन बी करके इसकी इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन निकाल ली 1/2, दैट इज सपोज्ड m1, एंड द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, दिस सेकंड लाइन इज नॉट गिवन टू मी, सो आई हैव कंसीडर्ड दिस इज m2, m2 इज नॉट गिवन, दैट आई एम कंसीडरिंग दिस इज इक्वल टू m. नाउ आई विल पुट दिस इन दिस फार्मूला, tan theta इज इक्वल टू दिस, तो अब इसमें मैंने वैल्यूज पुट की, ठीक है? एंड बिकॉज़ After simplification, I will remove this modulus sign because there is a variable inside.
तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइंस के साथ इसको ओपन करूंगी और सिंप्लीफाई करूंगी। हाँ जी, देखिए मैंने कहा था ना मॉड्यूलर साइन हटाएंगे तो हम प्लस माइनस दोनों साइन के साथ करेंगे। मैंने प्लस के साथ ओपन किया, एक बार माइनस के साथ, वी गॉट दीज वैल्यूज, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। पासिंग पॉइंट मुझे पता ही था क्या दिया हुआ है, 3 2। तो एक बार आप एम की वैल्यू ये यूज करेंगे एंड पॉइंट दिस 1 point slow form apply करके y minus y1 is equal to m into x minus x1। एक बारी इसमें m की value ये put कीजिए इस formula में, एक बारी m की value 3 put कीजिए। But in both cases you are to put this, use this passing point and you will get two different equations of the lines. Now next question number 12. You have to find the equation of the line which is passing through the point of intersection of these two lines and has equal intercepts on the axis. यानी जो मुझे line चाहिए उसका directly कुछ नहीं दिया, उसको बोला है आपको कि ये दो given lines के point of intersection से pass कर रही है और दूसरी बात उसके intercepts equal है। तो चलिए पहले तो किस point से pass कर रही है पहले वो तो निकाले। बोला गया इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया एंड आई गॉट दिस पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज 1/3 13 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5/13। तो आपका पॉइंट तो आ गया 1/13 5/13। अब उसके बाद बोला है इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, इक्वल इंटरसेप्ट्स है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोथ आर इक्वल। तो चलिए अब हम उनको ए मान लेते हैं, लेट अस डू। हाँ जी, ये पॉइंट निकला इसका 1/13 5/13 एंड एज आई टोल्ड यू द इंटरसेप्ट्स आर गिवन इक्वल। तो हम इसमें दोनों इंटरसेप्ट्स को ए लिया हमने, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई x plus y is equal to a आ गया आपके पास। एंड बिकॉज दिस इज माय रिक्वायर्ड लाइन एंड दिस लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पासिस थ्रू दिस पॉइंट व्हिच आई ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट को इस लाइन में पुट कर देंगे। ठीक, एक्चुअली अगर मैं इसकी फिगर बनाती तो ये होती, जो ये दो लाइंस गिवन है ये हैं और मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करनी थी इससे। तो मैंने इन रेड वाली लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो था 1,13। ठीक है, और 1,13 से ये ब्लैक वाली लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, वो पास कर रही है और उसकी इक्वेशन ऑफ ये है, और लेकिन मुझे उसका पासिंग पॉइंट पता चल गया, देन आई विल पुट दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट हियर एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम इसको इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास x plus y is equal to a, यानी x plus y is equal to 6/13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इन माय नेक्स्ट lecture we will do questions further this question.